आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता। इसी को देखते हुए डेली रूटीन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस टीम ने बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व शहर के मुख्य चौराहों पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान एसपी सिटी सतपाल अंतिल ने बताया कि यह एक तरह का रूटीन चेकअप है, जिसमें इंस्पेक्टर एलआईयू, एसओ सिविल लाइन, सीओ सिटी दीक्षा शर्मा के साथ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एसएसपी कार्यालय, शहर के मुख्य चौराहों, शिव चौक आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें डॉग स्क्वाड एवं बम निरोधक दस्ता भी मौजूद था। चेकिंग अभियान के दौरान किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक वस्तु देखने को नहीं मिली है। इस तरह की चेकिंग दिन में 2 से 3 बार की जाएगी। यह चेकिंग अभियान पिछले 1 महीने से जारी है और आगे की तारीख में भी जारी रहेगा। देखिए, नियमित तौर पर इंस्पेक्टर एलआईयू, एसओ सिविल लाइन, एएसपी शहर क्षेत्र, इनके द्वारा बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, कचहरी, कलेक्ट्रेट, एसएसपी ऑफिस, शिव चौक इत्यादि जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, इन पे रेगुलर तौर पर एक चेकिंग अभियान चलाया जाता है, जिसमें हमारी डॉग स्क्वाड भी होती है, हमारी एएस चेक की टीम भी होती है, और ये नियमित तौर पर यहाँ पर सुरक्षा दृष्टिगत ये अभियान चलाया जा रहा है। नहीं, किसी प्रकार का कोई संदिग्ध सामान प्राप्त नहीं हुआ, और ये बड़े रैंडम तौर पर दिन के अंदर 2-2, 3-3 बार भी इस प्रकार की चेकिंग लगातार जारी रहेंगी। ये देखिए, पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है और भविष्य में भी लगातार चलता रहेगा।